हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर शिप्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनमे डॉक्टर शिप्रा पर। आज का हमारा टॉपिक है एनोरेक्टल एब्सेस। एनोरेक्टल एब्सेस बेसिकली क्या होते हैं, हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो, जब आपके गुदा मार्ग पे या एनस के चारों तरफ के एरिया में कहीं पे भी छोटी छोटी फुंसियां या बॉयल्स हो जाते हैं जिनमें से फूटने पर पस निकलता है, उन्हें हम बोलते हैं एनोरेक्टल एब्सेस। तो मोस्ट कॉमनली ये किसके कारण होते हैं, मोस्ट कॉमनली ये ई कोलाई के कारण हमें देखने को मिलता है 60% ऑफ केसेस में। उसके अलावा स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस के कारण भी हमें देखने को मिलता है। बट होता क्या है, जो हमारे एनल में ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम एनल ग्लैंड्स बोलते हैं, उनमें इंफेक्शन होने के कारण ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। 95% जो केसेस होते हैं उसमें जो है एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन के कारण हमें ये देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे क्रिप्टो ग्लैंडुलर डिजीज। दो तरीके के होते हैं, क्रिप्टो ग्लैंडुलर, नॉन क्रिप्टो ग्लैंडुलर। क्रिप्टो ग्लैंडुलर का मतलब क्या है, क्रिप्ट्स में, एनल ग्लैंड्स का जो क्रिप्ट्स है उसमें इन्फेक्शन होने के कारण जो एब्सेस डेवलप हुआ है वो, और एनल ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन नहीं है, एक्सटर्नली कोई इन्फेक्शन आने के कारण जो डेवलप हुआ है वो नॉन क्रिप्टो ग्लैंडुलर होता है। कॉमनली ये डायबिटिक पेशेंट और इम्यून सप्रेस जो पेशेंट होते हैं उनमें हमें ज्यादा देखने को मिलता है। क्लासिफिकेशन की मैं इसकी बात करूं तो बेसिकली हमें ये चार टाइप के देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है सुप्रा लेवेटर, आप देखिए यहाँ डायग्राम में, सुप्रा लेवेटर ये हमारी लेवेटर एनाई मसल है, ठीक है, ये यहाँ पे आकर के ये रही, इसके ऊपर जो एब्सेस बनेगा डेट सुप्रा लेवेटर। सेकेंड है इंटर स्फेंटेरिक स्फिंक्टर, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर है उसका जो बीच का स्पेस है वहां पे अगर कोई एब्सेस बन जाएगा डेट इज इंटर स्फिंटेरिक। तीसरा है इस्चियोरेक्टल, देखो इस्चियोरेक्टल फोसा होता है, जो कहाँ होता है, ये हमारा ये रहा, ये जो पूरा आपको फैट जो दिख रहा है ना, ये है इस्चियोरेक्टल फोसा। यहाँ पे अगर कोई एब्सेस डेवलप हो जाएगा उसे हम बोलेंगे इस्चियोरेक्टल एब्सेस। फोर्थ हो जाए पेरिएनल। पेरिएनल में टू टाइप्स के देखते हैं हम, फर्स्ट होता है सबक्यूटेनियस, सेकेंड होता है सबम्यूकोजल। म्यूकस मेम्ब्रेन के वहां पे अगर एब्सेस या बॉयल डेवलप हो रहा है डेट इज सबम्यूकोजल, और अगर स्किन की लेयर के जस्ट नीचे डेवलप हो रहा है डेट इज सबक्यूटेनियस। ये चार टाइप के हमें एब्सेस जो है वो याद रखने हैं, यही आगे कन्वर्ट होते हैं फिस्टुला में। तो जब हम फिस्टुला वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको यही देखने को मिलेंगे। इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले मैं बात करूं कि कोई भी एनोरेक्टल को इंजरी हो जाए, अब वो इंजरी किसी एक्सटर्नल कॉज के कारण भी हो सकती है और इंटरनल कॉज के कारण भी हो सकती है। एक्सटर्नल कॉज कैसे, कि किसी भी नुकीली चीज से आपके एनस के चारों तरफ के रास्ते में कहीं पे भी चोट लग गई उसके कारण बॉयल डेवलप हो सकता है, या फिर फिशर डेवलप हो गया है। फिशर क्या होता है वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। फिशर के कारण इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के कारण एनोरेक्टल एब्सिस या एनोरेक्टल फिस्टुला डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा क्यूटेनियस इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण बॉयल्स डेवलप हो सकते हैं, कोई ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन हो सकता है। एनोरेक्टल एब्सेस जो होती है वो फिस्टुलास के साथ में एसोसिएटेड रहती है, मतलब क्या है कि पहले एब्सेस डेवलप होते हैं, लेटर स्टेज में अगर हम उनको क्योर नहीं करेंगे, उनका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो वो धीरे धीरे फिस्टुलास में डेवलप हो जाते हैं। उसके अलावा मैं पहले ही बता चुकी हूँ फिशर इन एनो के कारण भी एनोरेक्टल एब्सिस या फिस्टुला डेवलप होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा पेरी एनल हिमेटोमा, हिमेटोमा मैं पाइल्स जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था, एक बार प्रीवियस वीडियो में चेक कर लीजिएगा। पोस्ट एनोरेक्टल सर्जरी, मतलब प्रीवियसली आपकी कोई एनोरेक्टल सर्जरी हुई है उसके कारण कोई इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन के कारण भी ये डेवलप होने के चांसेस एब्सिस रहते हैं। क्रॉन डिजीज और ट्यूबरक्लोसिस, क्रॉन डिजीज में क्या होता है, पेशेंट बार बार फ्रेश होने जाता है, उसके कारण उसको फिशर डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिशर डेवलप होने से एनोरेक्टल एब्सिस या एनोरेक्टल फिस्टुला डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ऐसे पेशेंट्स में हमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन तो करवाना ही है, उसमें उसका सीबीसी का लेवल, सीबीसी लेवल हम सीबीसी करवाएंगे कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें उसका डब्ल्यूबीसी का लेवल हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, बट वो कंप्लीट हमें गाइड नहीं करेगा, कि वो बता देगा कि बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है बट किस पर्टिकुलर प्लेस पे है वो हमें नहीं पता चलेगा। इसके लिए हमें क्या होता है, हमें एमआरआई कराना होता है। एमआरआई हमें कंप्लीट गाइडेंस देता है कि ये जो बॉयल है, ये जो एब्सिस है या ये जो फुंसी है वो अभी एब्सिस की फॉर्म में है या साइनस बन गया है या फिस्टुला बन गया है, तीनों में क्या डिफरेंस होता है,
बॉयल एक फुंसी नुमा स्ट्रक्चर होता है जो फट जाता है और पस वहीं से बाहर निकल जाता है। साइनस क्या होता है, जैसे एक नली की हम बात करें जिसका एक सिरा क्लोज है और दूसरा सिरा ओपन है, तो जिस भी नली का जिस भी ट्रैक का एक सिरा बंद होता है और दूसरा सिरा खुला होता है उसे हम साइनस बोलते हैं। और उसी नली के अगर दोनों सिरे खोल दिए जाए, मतलब जिसमें एक्सटर्नल ओपनिंग भी मिले और इंटरनल ओपनिंग भी मिले, उस केस को हम फिस्टुला बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप एनल के एरिया की अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें हमारी एमआरआई रहती है, और इसके अलावा हम प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी भी करा के देख सकते हैं, जिससे हमें ये पता पड़ जाएगा कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन या सेकेंडरी कोई भी डिजीज तो नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियरली समझाऊं कि ये हम पहले बात कर चुके हैं, ये हमारी लेवेटर एनाई मसल है, इसके ऊपर जो एप्सिस डेवलप होगा डेट इज सुप्रा लेवेटर एप्सिस। ये हमारे स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर, इनके बीच में जो डेवलप होगा दिस इज इंटर स्फेंट्रिक एप्सिस। इस्चियोरेक्टल फोसा में जो डेवलप हो रहा है दिस इज इस्चियोरेक्टल एप्सिस। और पेरियनल एरिया मतलब एनस के चारों तरफ के एरिया में, चाहे वो क्यूटेनियस हो चाहे म्यूकोजल हो, वहां जो डेवलप हो रहा है दैट इज पेरियनल एप्सिस। अब हम इसे डिटेल में एक एक करके बात कर लेते हैं। फर्स्टली जो सबसे ज्यादा 60% केसेस में हमें देखने को मिलता है वो होता है पेरियनल एप्सिस, जो हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट इज सबक्यूटेनियस, सेकेंड इज सबम्यूकोजल। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, एनल ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होता है, एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है, उसके कारण सुपुरेशंस हो जाते हैं, उसके कारण ये डेवलप हो सकता है। सेकंड, थ्रोम्बोज एक्सटर्नल पाइल्स होने के कारण उनमें इन्फेक्शन हो सकता है और वो एप्सिस में डेवलप हो सकते हैं, उनकी वजह से एप्सिस डेवलप हो सकता है। सेकेंड है कि जो सबक्यूटेनियस पोर्शन है, ये देखो ये आपकी स्किन है, स्किन को बोलते हैं क्यूटेनियस, उसके जस्ट नीचे सब मतलब नीचे, तो स्किन के नीचे अगर डेवलप हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे सबक्यूटेनियस। ठीक है, ये आपको डायग्राम में दिख गया है। क्लिनिकल फीचर्स क्या दिखेंगे इसके, जब भी फुंसी हुई है, सबने अपनी लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस किया होगा कि फेस पे या कभी आर्म पे या कहीं पे फुंसी होती है उसमें पेन होता है, तो इस कंडीशन में भी सेम चीज होगी, सीवियर पेन देखने को मिलेगा पेशेंट को पेरिएनल रीजन पे, और उसे बैठने में तकलीफ होगी, बैठ नहीं पाएगा, सीधा बैठ नहीं पाएगा, बैठते टाइम उसे दर्द होगा, ये उसे तकलीफ देगी। इसके अलावा जो फुंसी होगी वो टेंडर होगी, टेंडर मतलब छूने पे उस पे दर्द होगा, सॉफ्ट स्वेलिंग मिलेगी उस पर्टिकुलर रीजन में। ट्रीटमेंट में मैं बात करूँ तो बेसिकली हमें ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक देनी है, अच्छे एनाल्जेसिक देना है, उसके अलावा पेशेंट को सिड्स बाथ कराना है। सिड्स बाथ कराने से क्या होता है, पेन पेशेंट का रिलीज हो जाता है। उसके अलावा हमें लोकल एप्लीकेशन के लिए हम एनेस्थेटिक ड्रग्स दे सकते हैं, लग्जेटिव्स पेशेंट को देने अगर वो कॉन्स्टिपेटेड है तो, और अगर हम उससे भी नहीं सही कर पा रहे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से नहीं कर पा रहे हैं, तो लास्ट में हमारे पास होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, डेट इज IND, इंसीजन एंड ड्रेनेज। जब भी मैं एप्सिस की बात करूंगी, चाहे वो ब्रेस्ट एप्सिस हो, चाहे वो पेरिनल एप्सिस हो, चाहे इस्चोरेक्टल एप्सिस हो, कोई भी एप्सिस हो, उन सब का एक ही मैनेजमेंट है सर्जिकल, डेट इज IND, इंसिजन एंड ड्रेनेज। जनरल एनेस्थीशिया, स्पाइनल एनेस्थीशिया के अंडर हम इसे ड्रेन करवा देंगे। सेकेंड है हमारा इस्चोरेक्टल एप्सिस, मैंने बताया इस्चोरेक्टल फोसा के अंदर ये हमें देखने को मिलेगा। इस्चोरेक्टल फोसा लाई कहां करता है वो देखिए, ये आपकी लेवेटर एनाई मसल है, लेवेटर एनाई मसल से स्किन तक का पूरा एरिया जो होता है वो होता है इस्चियोरेक्टल फोसा। अब ये क्या होता है, राइट टू लेफ्ट साइड में पूरा कम्युनिकेट रहता है, इसीलिए होर्सशू टाइप जो फिस्टुला बनता है, जो होर्सशू टाइप जो बनता है जिसमें दोनों तरफ निकल जाता है, वो बेसिकली हमें इस्चियोरेक्टल एप्सिस के केसेस में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। अब इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, सेम कॉज है वही वाले कि ब्लड से या लिम्फेटिक से कोई इन्फेक्शन चला जाए उसके कारण एप्सिस डेवलप हो सकता है। जो फैट है, वो जो फैट है जिस जो रेक्टल जो फोसा में, वो बहुत ज्यादा प्रोन होता है इन्फेक्शन के लिए, तो क्योंकि उसमें वेस्कुलाइजेशन कम होता है, मतलब ब्लड सप्लाई उस एरिया में कम होती है, इसके कारण इन्फेक्शन होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। फोसा है जो अपोजिट साइड कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए ओरशू टाइप का फिस्टुला या एप्सिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स में सेम चीज है, टेंडरनेस मिलेगी, इंड्यूरेटेड मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी, पेशेंट को पेन होगा और सीवियर फीवर आ सकता है, हाई फीवर आ सकता है पेशेंट को। स्वेलिंग लोकलाइज नहीं होगी, आज यहाँ पे है कल दूसरी जगह पे फुंसी उठ सकती है, फ्लक्चुएशन हमें इस कंडीशन में एब्सेंट देखने को मिलता है।
ट्रीटमेंट की बात करूँ, सेम ट्रीटमेंट है, पेशेंट को हम एनाल्जेसिक देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, हॉर्सेस बात करा सकते हैं, उसके अलावा हम एनेस्थेटिक एजेंट्स को लोकल एप्लीकेशन के लिए दे सकते हैं। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक नहीं होता है तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को IND, इंसीजन एंड रिलीज करवाना है। सब म्यूकोजल एप्सिस, सब म्यूकस एप्सिस टाइप है हमारा पेरिनल एप्सिस का ही। बेसिकली ये होता कहाँ है, डेंटेट लाइन के ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगा। और इसे हम जनरली, एक चीज आप याद रखिए, जो सब म्यूकोजल एप्सिस होता है उसे हमेशा ड्रेन कराते हैं साइनस फॉर्सेप्स से, प्रोक्टोस्कोप की हेल्प से। क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर एनल कैविटी के अंदर की तरफ ड्रेन होगा, ठीक है, तो उसमें प्रोक्टोस्कोप की हमें हेल्प लगती है। इसमें भी बेसिकली वही पेशेंट को पेन मिलेगा, डिस्कम्फर्ट मिलेगा, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है सब म्यूकोजल एप्सिस में। इसका भी ट्रीटमेंट सेम है, हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे, अगर कंजर्वेटिव से ठीक नहीं होता है तो हम इंसीजन एंड ड्रेनेज करा देंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर अब अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।